इस कहानी में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम करता है ताकि वो लोग अपने अंतिम संस्कार में अच्छे दिख सकें। एलियट ये सारे काम काफी सालों से कर रहा था। वो डेड बॉडीज से काफी अच्छे पैसे कमाता था और वो उनसे बातें भी किया करता था। वहीं दूसरी ओर हम लोग एना को देखते हैं जो कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम पॉल है। एना और पॉल आपस में नजदीक आते हैं और ये लोग यहाँ इंटीमेट होते हैं। पॉल काफी इंजॉय कर रहा होता है लेकिन वहीं दूसरी ओर एना इस चीज को एंजॉय नहीं कर रही थी। पॉल एना से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। एना कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद एना अपने स्कूल में आती है। यहाँ वो एक जैक नाम के बच्चे से मिलती है। एना उस बच्चे को अपने दोस्त की तरह समझती थी। जैक का बर्ताव बाकी बच्चों से काफी अलग था। एना जब अपने स्कूल से जा रही होती है तभी उसके साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था। तभी वो बाहर जैक को देखती है। एना उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। जैक उससे बोलता है मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ रही है। इसके बाद एना एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहाँ कुछ मेडिसिन्स लेती है। इसके बाद वो एक पार्लर में जाकर अपने बालों को कलर करवाती है। अब वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंच चुकी है। एना को यहाँ आकर काफी अजीब फीलिंग आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पियानो टीचर अभी भी सांस ले रहा है। यहाँ पर एलियट भी आया होता है और वो एना को यहाँ देखता है। इसके बाद हम लोग शाम में एना और पॉल को देखते हैं। पॉल ने डिनर में एना को इनवाइट किया है। आज वो डिनर में एक रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो आज एना को प्रपोज करने वाला है। पॉल यहाँ एना को बताता है वो जल्द ही शिकागो जाने वाला है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और एना पॉल की बातों को सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है। एना अभी बहुत गुस्से में थी। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर जाने लगती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है। तभी वो एक नंबर डायल करती है। इसके बाद अचानक अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग एलियट को देखते हैं जिसके पास एक नई डेड बॉडी आई है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। एलियट उसके कपड़ों को कैंची से काटता है। एना ने अपने कपड़ों के अंदर बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। एना के सर में चोटें लगी थी। एलियट उसे तैयार कर ही रहा होता है तभी एना की आंखें खुल जाती हैं। वो एलियट से पूछती है आखिर मैं कहां पर हूं, जिस पर एलियट उसे बताता है 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। लेकिन एना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो एलियट से बातें कर पा रही थी और वो एलियट से बोले हुए शब्दों को सुन सकती थी। जब एना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता तब एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो कहता है तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है, तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। एलियट एना से बातें इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ये पावर थी कि वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुई आत्माओं से आसानी से बातें कर सकता था। वो उनकी बातों को सुन भी सकता था और उन्हें अपनी बातों को सुना भी सकता था। कुछ देर के बाद एलियट यहाँ से चला जाता है। एना को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था कि वो मर चुकी है। वो ये सोच रही थी कि ये तो उसका डरावना सपना है। वहीं दूसरी ओर हम लोग पॉल को देखते हैं। उसे अभी तक ये नहीं पता है कि एना मर चुकी है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन एलियट के पास था और वो पॉल के फोन को कट कर देता है। इसके बाद पॉल एना के घर पर पहुंचता है जहां उसे एना की माँ से ये भी पता चलता है कि एना की डेथ हो चुकी है। पॉल को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। वो काफी ज्यादा दुखी होता है लेकिन एना की मॉम काफी नॉर्मल थी जैसे उसे एना की मौत का कोई भी गम नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम लोग फिर से एलियट को देखते हैं। वो एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। वो एना के घाव को टाके लगा रहा होता है। एना को दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद एलियट एक इंजेक्शन एना के गले पर लगाता है ताकि उसकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स रह सके। तभी एना की मॉम एना को देखने के लिए यहाँ आती है। वो यहाँ एलियट से ये भी कहती है हमें एना को जाने का बहुत दुख है। साथ ही साथ एना की मॉम ये भी कहती है एना के बालों को फिर से ब्लैक कर दिया जाए क्योंकि एना लाल बालों में काफी अजीब लग रही है। इसके बाद हम लोग पॉल को देखते हैं जो कि एलियट के पास गया है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके लेकिन एलियट उसे एना के पास जाने नहीं देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी से मिल सकते थे। अभी पॉल की एंगेजमेंट एना के साथ नहीं हुई थी लेकिन अंदर हम लोग ये देखते हैं पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और वो पॉल को जोर जोर से आवाज लगाती है लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। इसके बाद पॉल यहां से चला जाता है। पॉल के जाने के बाद एना एलियट से ये पूछती है तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। एलियट कहता है तुम्हारी आत्मा जल्दी तुम्हारे शरीर को छोड़ देगी। अगर तुम अपने चाहने वालों से इतनी अटैच रहोगी तब तुम्हारी आत्मा यहीं फंसकर रह जाएगी। एना को एलियट की बातें समझ में नहीं आती हैं और वो उसकी सारी बातों को मजाक समझती है। वो अभी भी ये सोचती है कि वो जिंदा है और एलियट ने उसे ऐसा कोई ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर हम लोग पॉल को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गया है क्योंकि उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। पुलिस से वो एना से मिलने के लिए परमिशन मांगता है लेकिन पुलिस भी उसे परमिशन नहीं देती। इधर हम लोग एना को देखते हैं जो कि अभी अकेली होती है। वो यहाँ एक कैंची उठाती और वो उस कैंची को उठाकर आगे बढ़ाती है। तभी वहां पर एक
दूसरी डेड बॉडी आती है। इस डेड बॉडी को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एलियट के आने का इंतजार करती है ताकि वो एलियट पर हमला कर सके और उसे मारकर यहाँ से भाग सके। लेकिन एलियट एना के हमले से बच जाता है और वो एना को यहाँ से फिर से ये बताता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। रात में एना एक सपना देखती है जिसमें वो अपने पास रखे हुए एक डेड बॉडी को देखती है, लेकिन एना तो मर चुकी है। तब वो ये सपना कैसे देख सकती है? तभी अचानक वो सपने से उठती है और वो यहाँ मौजूद सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। दूसरी ओर हम लोग पॉल को देखते हैं जिसे एक अजीब सपना आता है। वो सपने में देख एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुए है। ये देखकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। इधर एलियट एना के पास आता है और अभी अपने कार में फ्यूल डालवाने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन एना उसके जेब से चुपके से चाबी निकाल लेती है और वो दरवाजे को खोलकर सीधा एलियट के ऑफिस में पहुंच जाती है। यहाँ से वो पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन इधर पॉल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की एना बनकर उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए वो फोन को कट कर देता है। पॉल के ऐसा करने से एना काफी ज्यादा गुस्सा होती है। एना फोन के पास होती है तभी यहाँ पर एलियट भी पहुंच जाता है। वो उसे आईने के पास ले जाकर कहता है, देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एना ये नोटिस करती है उसकी सांस लेने की वजह से आईने में भाप जम रही होती है जिसे कि एलियट चुपके से साफ कर देता है। वहीं पर हम लोग एना के स्टूडेंट जैक को देखते हैं जो कि नीचे खड़ा होता है और वो यहाँ एना को देख लेता है। अब एना ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है, इसलिए वो एलियट का साथ दे रही थी। इसके बाद एलियट एना के रेड बालों को फिर से ब्लैक करता है। तभी एना अचानक से सपने में पॉल को देखती है, लेकिन यहाँ पर एलियट था। वो एलियट से पूछती क्या मेरी माँ मेरी मौत पर रोई थी, जिस पर एलियट उसे बताता है तुम्हारी माँ तुम्हारी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी। एना उससे फिर से पूछती है क्या पॉल मेरी मौत पर रोया था। एलियट यहाँ झूठ बोलता है कि पॉल भी नहीं रोया था। उसकी इन बातों को सुनने के बाद एना बहुत दुखी होती है। इसके बाद एलियट उसे ड्रग का इंजेक्शन देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंचता है जहां वो एना के सामान को लेने के लिए गया था। स्कूल में उसे जैक मिलता है जो कि पॉल को ये बता देता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में देखा था और वहां पर रेड ड्रेस पहनी हुई थी लेकिन पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं क्योंकि जैक उससे कह रहा था उसने एना को जिंदा देखा था। इस बात से पॉल को गुस्सा आता है और वो जैक को ही थप्पड़ मार देता है। बाद में पॉल को इस बात का अफसोस भी होता है। इधर फ्यूनरल रूम में एक और बॉडी आई है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की है। वो पुलिस ऑफिसर यहाँ एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है, लेकिन जब वो एना की हार्ट बीट चेक करता है तो वो सोचता है उसका वो ये बहम था। वहीं पॉल फिर से एक बार पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस से कहता है सिर्फ पल्स चेक करके एना को डेथ बताया गया था और ऐसा एक ड्रग भी है जो कि कुछ देर के लिए इंसान की पल्स को रोक देता है। पॉल की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर मान जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर फिर से ये कहता है उसने एना को चेक किया था और उस वक्त एना की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। ये सुनकर पॉल फिर से परेशान हो जाता है। इधर हम लोग फिर से जैक नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि एलियट के पास गया है। उस बच्चे की हरकत काफी अजीब थी और वो एलियट से बहुत सी चीजें सीखना चाहता है। तब एलियट उसे एक ऐसी बात बताता है जो कि उसके दिमाग में रह जाती है। एलियट उसे कहता है मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ। वो लोग जो कि अंदर से मर चुके हैं वो लोग हमारे आसपास ही रहते हैं और यहाँ गंदगी फैलाते हैं और वो लोग उस ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं जिन पर सिर्फ पैसे लोगों का हक है जो कि असल में जीना चाहते हैं। इधर एना अभी भी ये सोच रही होती है अगर वो जिंदा होती तब अपनी लाइफ को और भी बेहतर से जीती। वो एलियट को बताती है वो भी खुशी से जीना चाहती थी। एलियट उसे कहता है तुम्हारी लाइफ में प्यार करने वाले लोग थे लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं थी। वो कहती है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। एलियट उसे कहता है अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले जीने के लिए तब तुम क्या करोगी। इसके बाद वो उसे रूम के बाहर ले जाता है। तभी अचानक एना अपने सपने में से निकलती है और वो देखती है वो अभी भी उसी रूम में है। वो डर कर ये कहे अच्छा हुआ वो मर गई। एना अब अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुकी थी और वो अपने फ्यूनरल के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देखती है और उसे अचानक ये रियलाइज होता है। लेकिन एलियट उसे इंजेक्शन दे देता है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसका फ्यूनरल खत्म हो जाता है। पॉल ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। एलियट उसे कहता है तुम्हें एना को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जब पॉल उसकी बात नहीं मानता तब एलियट उसे कहता है एना अभी जिंदा है और वो पॉल को एना के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद पॉल एना के कब्र में जाता है और वो उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब रियल नहीं था। पॉल कभी एना को बचाने गया ही नहीं था, बल्कि जब वो एना को बचाने के लिए जा रहा था तब एलियट ने उसका भी एक्सीडेंट करवा दिया था। पॉल जब अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है वो अभी एलियट के बेसमेंट में है और ये सब उसका बहम होता है क्योंकि पॉल एना को बचाने के लिए उसके पास पहुंचा ही नहीं था बल्कि एलियट ने उसका एक्सीडेंट रास्ते में ही करवा दिया था। पॉल का एक्सीडेंट एलियट ने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा एक्सीडेंट उसने एना का करवाया था और ये सब कुछ वो अपने बेसमेंट में पॉल को बताता है। वो पॉल से ये भी कहता है वो अंदर से मरे हुए लोगों को जीने का एक और मौका देता है क्योंकि वो देखना चाहता है वो लोग चेंज होते हैं या नहीं।
और जब वो लोग चेंज नहीं होते तब एलियट उन्हें मार देता है, और यही वो अब पॉल के साथ भी करने वाला है। एलियट पॉल को अपने सारे प्लान के बारे में बताता है, कैसे उसने ड्रग्स देकर उन दोनों को मरा हुआ दिखा दिया और कैसे उसने उनके दिमाग में वहम क्रिएट किया। ये सब बताने के बाद वो पॉल को भी फ्यूनरल के लिए तैयार करता है। जैक एलियट को ये सब करता हुआ देखता है और हो सकता है फ्यूचर में वो भी एलियट की तरह बन जाए, जो कि एक खतरनाक सीरियल किलर है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।